हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम रंगीन तस्वीरों के द्वारा अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि फ्रूट्स नेम कैसे दिखता है, फ्रूट्स कैसे दिखता है और ये कौन से कलर दिखता है और इनके रंगों कैसे दिखते हैं और इनको क्या बोला जाता है, किस आकृति के दिखते हैं, किस शेप के दिखते हैं। क्योंकि अभी बच्चे छोटे होते हैं, नर्सरी क्लास के होते हैं, जैसे 5, 6, 7 नामों से आप उनको परिचित करा सकते हैं कि फ्रूट्स नेम 4, 5 नामों से कि कैसे दिखता है, कौन कौन से फ्रूट्स, और जिससे कि वो आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उनके कलर से समझ सकते हैं। क्योंकि घरों में अक्सर यूज होने वाले ये फल होते हैं जो आप आसानी से उनको बता सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। क्योंकि अभी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास के, उनके दिमाग अभी डेवलप होता है, छोटे छोटे होते हैं, उनको अभी सीखने में धीरे धीरे स्टेज के ऊपर जाते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे सीखते हैं। और इन पिक्चरों से आप उनको कैसे सिखा सकते हैं अपने घरों में ही, उनको उनको किस प्रकार से बता सकते हैं कि ये किस कलर का दिखता है, इस किस रंग के दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फल का नाम, फ्रूट्स नेम, जिससे कि आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं उनको और दिखा सकते हैं कि बेटा ये है और ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फलों के नाम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे दिखाइए आप एक तस्वीर, मैंगो, मैंगो MANGO, मैंगो, मैंगो मीन्स आम। इस प्रकार से आप उनको बता सकते हैं कि ये बेटा आम। ये ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मीन संतरा। इस तरह से आप ऑरेंज का चित्र दिखा के उनको पिक्चर से, क्योंकि उनको रंगीन पिक्चर देख के उनको अच्छा लगता है और आप उनको आसानी से सिखा सकते हैं कि ऑरेंज, ऑरेंज मीन संतरा। और ये क्या है, एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल मीन सेव। इस तरह से आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये घरों में यूज होने वाले सिंपल ही तौर से फ्रूट्स फल होते हैं। तो ये कौन सा फ्रूट्स है और ये कौन सा फ्रूट्स है। ये क्या है, पपाया, PAPAYA, पपाया, पपाया मीन्स पपीता। इस प्रकार से आप उनको दिखा सकते हैं कि ये पपीता कैसे दिखता है, इसका शेप कैसे होता है, इसका कलर कैसे होता है। उसी प्रकार से स्ट्रॉबेरी, STRAWABERIES, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज मीन स्ट्रॉबेरीज। इस प्रकार से आप स्ट्रॉबेरीज के शेप दिखा सकते हैं। ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। इस तरह से आप उनको दिखा सकते हैं कि अंगूर कैसे दिखता है, कौन से कलर का, रंगीन हरा कलर का और ये गुच्छों में होता है। इस प्रकार से आप उनको दिखा सकते हैं कि ये अंगूर है। और ये क्या है, वाटरमेलन, WATERMELON, वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन तरबूज। और ये अंदर कैसे दिखता है, रेड कलर, लाल कलर का दिखता है और इसके अंदर कुछ कुछ बीजें होती हैं जो ब्लैक कलर का, काला कलर का होता है। इस तरह से आप अपने बच्चों को उनको तस्वीर के माध्यम से दिखा सकते हैं रंगीन कलर का कि वो कैसे दिखता है और किस कलर से होता है, और बच्चों आप घर में खाते हैं और कैसे उनका स्वाद लगता है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये फ्रूट्स नेम है पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि ये छोटे छोटे अभी बच्चे कम फ्रूट्स जाने और सीखे तो उनको समझ में आए। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को फ्रूट्स नेम को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से दिखाइए और सिखाइए कि कैसे फ्रूट दिखता है और इसका कलर और इसका स्वाद कैसे होता है, और उनको दिखा के और उसका शेप बता के आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही। तो अगले वीडियो में फिर से वेजिटेबल नेम मैं बताऊंगी। तो थैंक यू।